हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ उमा, उमाज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत सा प्लांट है मेरा, मोगरे का। इसको जैस्मिन भी बोलते हैं दोस्तों। और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि मुझे आज इसकी प्रूनिंग करनी पड़ रही है। ये टाइम हमारा प्रूनिंग करने का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देख सकते हो आप, इस टाइम प्रूनिंग नहीं करते हैं हम। प्रूनिंग करते हैं फरवरी महीने में, हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। वो टाइम इसके लिए बिल्कुल वेस्ट प्रूनिंग का रहता है। और मुझे इसकी प्रूनिंग इसलिए करनी पड़ रही है दोस्तों क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी फैल रही है। और इसके फ्लावर्स, जैसे मैं यहाँ पे बाहर लगा रही हूँ रीलिंग पे, तो ये फ्लावर्स अपने आप ही गिर रहे हैं। तो इसकी जो इसको है, ये हैवी फीडर बन गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको क्या करूं, आज प्रूनिंग करूं मैं इसकी। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो इस टाइम हमारा जो रेनी सीजन है, इस टाइम हम कोई भी कटिंग लगाएंगे तो हमारी कटिंग बहुत इजीली लग जाएगी। तो दोस्तों, मुझे सच्ची में बहुत दुख हो रहा है। आप देख सकते हो इसमें कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये सारे फ्लावर्स मेरे बिल्कुल बेकार जाएंगे, देखो आप। और इतने बड़ी बड़ी बर्ड्स बनी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स बनी हुई है। और मेरी ये सारी बर्ड्स इसकी गायब हो जाएगी अभी जस्ट मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं, मुझे सच्ची मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। और देखो, मैंने इसको यहीं से, जैसे इसका प्लांट है यहीं से, हेल्दी प्लांट है इसका, देख सकते हो आप, बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये तो मैंने रहने देना इसका। और ये भी मुझे अभी रहने देना है, तो मुझे इसकी कटिंग यहीं से करनी है, यहीं से मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी। तो यहाँ जैसे से मुझे इसकी प्रूनिंग करनी है, यहाँ जैसे से। तो मैं अभी करती हूँ, मेरे पास कटर तो नहीं है, लेकिन जो घर वाली सीजर है वही है, उसको मैंने साफ कर दिया है थोड़ा सा। इसमें मैंने हल्दी वाला वो कर दिया हुआ है, इसी का ही वो लगा दे ताकि इसमें फंगस वगैरह नहीं लगे। आप देख सकते हैं, तो मुझे इसको यहीं से ही, आप देख सकते हैं इसको यहीं से ही, ये देखो यहाँ से, ये इसको यहीं से ही, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया है, ये देखो आप। सॉरी दोस्तों, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी ब्रांचेस है जिसको मुझे कट करना पड़ा इतनी ज़्यादा। ये मेरी गलती है खुद की, अगर मैंने इसको टाइम रहते इसको कट कर दिया होता तो मुझे शायद आज इतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना कि मुझे अभी दुख हो रहा है, देख सकते हो आप। और मुझे इसकी कितनी प्रूनिंग करनी पड़ रही है और मेरे कितने ज़्यादा फ्लावर्स गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखो। तो मुझे इतने ज़्यादा, और इसके फ्लावर ये इस तरह से चले गए हैं, और ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बर्ड्स इसकी, और बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने दोस्तों इसको वेस्ट नहीं करना है, इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग को लगा देना है क्योंकि रेनी सीजन हमारा होता है। तो इस टाइम जो कटिंग है हमारी बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं। तो अभी ये वाले फ्लावर मैंने अभी रहने देना दोस्तों, ये कट नहीं करना मैंने अभी यहाँ से। तो इसको मैं ठहर के फिर से प्रून करूँगी हल्का सा, ये देख सकते हो आप, इसको इस तरह से प्रून किया है मैंने। और थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ से इसको बुशी वाला लुक देना है, और ये फ्लावरिंग वाली जो ये वाली कटिंग है इसको मैंने बाद में करना है प्रून फिर से दोस्तों, अभी नहीं करना है मैंने इसको, क्योंकि अभी अगर प्रून करूँगी तो मेरे फ्लावर वेस्ट हो जाएंगे। और इसको मैंने अब शेप जैसी देनी है, और आपको दिख रही होगी इसको मैं यहाँ से, चलो कर ही देती हूँ मैं साथ में ही, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा सा हो जाएगा। इसको मैं यहीं से ही देती हूँ, ये देखो आप, इसको मैंने यहीं से ही कट कर दिया है, और अभी मेरा बूशी सा बन जाएगा। और नीचे से जितनी भी, अब मैंने इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, सिर्फ इतना ही बढ़ने देना है, देख सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। वही होता है ना कि हम लोग लालच करते हैं फ्लावर का कि हमें फ्लावर्स मिलेंगे, तो इसकी भी चलो मैं कर देती हूँ कटिंग, देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको लुक दे ही देती हूँ एक ही बारी में। तो इसके फ्लावर्स अभी मुझे, चलो कर ही दूँ मैं, रहने देती हूँ एक बार में, कर देती हूँ सारी कटिंग इसकी, प्रूनिंग कर देती हूँ, तो मुझे इसके बहुत सारी आगे को क्या करेगी, नई नई ब्रांचेस मिलेगी। तो इसको, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हैं। और इसको लुक देखो कितना अच्छा सा मिल गया, अब अभी भी इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। तो दोस्तों, जो मैंने कटिंग करी है आप ये देख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको हमने क्या करना है, हल्दी लगा देनी है। हल्दी हमारी एंटीसेप्टिक का काम होता है, अगर आप चाहे तो इसमें फंगीसाई भी लगा सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मैंने फंगीसाई, अभी मेरे पास यहाँ नहीं थी अवेलेबल,
दूसरी साइड है, तो फिर मैंने इसमें क्या कर दिया। और दोस्तों इसमें देख सकते हो आप, इसमें कितनी सारी ब्रांचेस भी निकल रही है, देखो आप साथ में ही नई नई ब्रांचेस निकल रही है इसमें, बहुत सारी ब्रांचेस। तो दोस्तों इसको भी मैंने यहीं से कट कर देना है, ताकि यहीं से नीचे से बहुत ज़्यादा, और दोस्तों इसकी ना थोड़ी सी ये हेल्दी बन जाएगा, तो इसको रिपोर्ट करने में भी ईजी रहेगा ये प्लांट, अगर हम इस प्लांट को ज़्यादा बड़ा बनने नहीं देंगे तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये, तो दोस्तों माफ़ करना मुझे, क्योंकि ये टाइम इस टाइम प्रूनिंग करने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा प्लांट थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा इस टाइम, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इस तरह से जब भी आप प्रूनिंग करें तो उस प्लांट को क्या करें, आप फंगीसाइड लगा दें, ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। और जैसे ये आपकी, जैसे प्लांट आपका ख़त्म हो जाए, जैसे इस तरह से फ्लावर गिर जाए, तो आपने क्या करना है, इसको फिर से निकाल देना है इसको, ताकि आपको क्या करें, नए सिरे से फिर से और मिल जाए, फ्लावरिंग मिल जाए आपको और ज़्यादा, तो यहाँ से और कलियाँ आएगी, तो ये और बूशी सा बन जाएगा। और जैसे ये हमारे पत्ते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आपने इसको भी निकाल देना है, इस तरह के पत्ते भी नहीं रखने। तो देख सकते हो आप इसको किस तरह से बन गया है, कितना प्यारा सा बन गया है ये प्लांट हमारा, बहुत हेल्दी सा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो ये मेरे इतने सारे फ्लावर जो वेस्ट गए, सच में बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।